उज्जैन में बच्ची से रेप का दरिंदा पकड़ लिया गया है। एनडीटीवी पर बड़ा खुलासा होने जा रहा है। आपको बता दें, एनडीटीवी पर उज्जैन एसपी बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। थोड़ी ही देर में पुलिस एक बड़ा खुलासा करेगी। तो उज्जैन रेप मामला सामने आने के बाद से ही, जिस तरीके से यहां पर एक नाबालिग से रेप हुआ था, मामला आने के बाद ही पुलिस ने अपनी जांच तेज की थी, जिसके बाद कई जगह की सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया था। एक ऑटो चालक पर पुलिस को शक हुआ था, जिसके बाद उसे पूछताछ की गई। आपको ये भी बता दें कि इस पूरे मामले में अब से कुछ ही देर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, जिसमें खुलासा किया जाएगा। मुख्य आरोपी फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है, पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। उज्जैन की इस दर्दनाक घटना पर बात करने के लिए उज्जैन के एसपी सचिन शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि उनकी पुलिस आखिरकार कहां तक पहुंची है अपराधियों को पकड़ने में। ये मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपकी पुलिस ने, उज्जैन की पुलिस ने इस पूरे मामले को क्रैक कर लिया है, जो गुनहगार है वो पकड़ा गया है। इसमें पहले जैसे मैंने बताया था, खासकर 25 को जो घटना हुई थी, उसके बाद हम लोगों ने एक 28 सदस्यीय एसआईटी गठित की थी, जिसने जितने भी शहर के आने जाने वाले मार्ग हैं, सार्वजनिक स्थल हैं, बस स्टैंड हैं, रेलवे स्टेशन हैं, उसमें जो टेक्निकल एविडेंस है उसमें जो कलेक्ट करना था, उसके बेसिस पे हमने कुछ लोग ऐसे राउंड अप किए थे जो बच्ची से कहीं ना कहीं संपर्क में आए थे, कहीं ना कहीं उनकी बातचीत हुई थी। ये सभी लोगों से लगातार हम लोग पूछताछ कर रहे थे और जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है उसको लिंक करने का प्रयास कर रहे थे। ऐसे में फिर हमको ऐसा व्यक्ति मिला जिसके द्वारा संभावित इस घटना को कारित किया गया है, क्योंकि अभी जो लीगल कार्रवाई है, खासकर जो प्रक्रिया लिखा पढ़ी या ड्राफ्टिंग वाली चलती है, वो चल रही है। तो लगभग 7 बजे के आसपास जो फॉर्मेलिटीज हम कंप्लीट करके इस चीज को रेगुलर वे में बता पाएंगे। तो एक ही व्यक्ति है जो जिम्मेदार है इस घटना के लिए? जी, इसमें अभी तक हम लोगों ने जो पूछताछ के लिए राउंड अप किए थे वो 6 थे, पर जिस एक व्यक्ति की संलिप्तता, खासकर घटना दिनांक, घटना समय, घटना स्थल और पाई गई है, वो एक ही है अभी तक। तो ये घटना उज्जैन के इलाके में ही हुई है? ये घटना उज्जैन जिले में ही हुई है। और ये व्यक्ति जो है, जिसका आपने आप जिसकी ओर इशारा कर रहे हैं, ये उज्जैन का निवासी है? ये उज्जैन का निवासी है। और ये क्या करता है? ये भी एक ऑटो चालक ही है। अच्छा, तो इसने अकेला पाकर लड़की के साथ जाती की? ये जो स्पेसिफिक्स हैं, खासकर क्योंकि बच्ची लगातार कहीं ना कहीं शहर के अलग अलग हिस्सों में घूमती रही है, तो जब इसको मिली है तो बच्ची अकेली ही थी। और ये घटना किस वक्त की है, कब हुई होगी, दिन का कौन सा पहर होगा? इसमें क्योंकि बच्ची बता पाने में सक्षम नहीं थी, तो थोड़ा सा इसमें जो कॉन्ट्रडिक्शन है, जो एफआईआर में संभावित समय बताया गया है और हम लोगों ने जो जीरो डाउन किया है, तो घटना लगभग 4 से 6 के बीच की है और जो एक्यूज उस बच्ची के साथ पाया गया है वो भी लगभग उसी समय के आसपास मिला है उसको। अब ये आप टेक्निकल एविडेंस के हिसाब से आप प्रूफ कर पा रहे हैं कि वो 4 से 6 के बीच वो शख्स उस बच्ची के साथ था? जी, ये टेक्निकल एविडेंस जो हमारे पास थे और जो मेडिकल एविडेंसेस हैं उनको एस्टैब्लिश करने के बाद ही हम लोग इस चीज को सर्टन हो पाए या बता पाए। 4 से 6 मतलब अर्ली मॉर्निंग 4 से 6 की बात कर रहे हैं ना आप? अर्ली मॉर्निंग 4 से 6 के बीच की मैं बात कर रहा हूँ, 27th की मॉर्निंग। जी, और ये 25th की मॉर्निंग। जी, और ये वारदात क्या ऑटो में ही हुई है या कहीं किसी जगह पे हुई है? ये अभी क्योंकि पैरेलली पूछताछ हो रही है जिस व्यक्ति को हमने लिया है, और इसको कंस्ट्रक्ट भी करना होता है सीन ऑफ क्राइम को, क्योंकि कंप्लेने ये बता नहीं पाई थी घटनास्थल क्या है, तो इसमें थोड़ा सा समय और लगने की संभावना है। नॉर्मली होता क्या है, जो सीन ऑफ क्राइम डिजाइन होता है वो फरियादी के हिसाब से ही डिजाइन होता है, क्योंकि फरियादी इसमें बता नहीं पाई थी या एस्टैब्लिश नहीं कर पाई थी, तो अभी इसमें थोड़ा सा समय लगने की संभावना है। ये भी कहा गया कि बच्ची जो है वो मानसिक तौर पर थोड़ी कमजोर है, अच्छे से बोल नहीं पा रही है, स्लो लर्नर है, तो इसकी वजह से क्या दिक्कतें भी आ रही हैं आपको? इसमें सतना में जो एफआईआर रजिस्टर हुई थी उसमें एफआईआर के जो कंटेंट में यदि हम देखेंगे तो उन्होंने कहा है कि बच्ची स्पेशल चाइल्ड है और अपने गांव का, अपने जिले का नाम बता पाने में सक्षम नहीं है। यही चुनौती हमारे सामने भी आई थी, क्योंकि जो कंटेंट है या जो सर्कमस्टेंसेज हैं, जितना अच्छे से एक 12 साल के बच्चे को बता लेना चाहिए वो उनके द्वारा नहीं बताया गया। और इसकी व्यक्ति की उम्र कितनी होगी? बच्ची की उम्र जो खासकर हमारे पास अभी तक डॉक्यूमेंट्स आए हैं वो 13 से 15 के आसपास होनी चाहिए,
और जो एज रिलेटेड डॉक्यूमेंट खासकर जो कोर्ट एडमिसिबल रहते हैं वो अभी प्राप्त करना बाकी है। और ये जो आरोपी है, इस आरोपी की भी वही, क्योंकि एज रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स अभी हमको सीज करने हैं, तो उसके बाद ही इसकी जो मेजर है, पर इसके जो एज रिलेटेड डॉक्यूमेंट है, एक बार ये सीज हो जाएंगे तो उसको ऑन रिकॉर्ड लेके आ पाएंगे। अब एक चीज और जानना चाहूंगा मैं आपसे सचिन जी, हमने इस कहानी में दो बड़े इंपॉर्टेंट पात्र देखे इस पूरी कहानी में, वो लोग जिनकी मदद से पुलिस उन तक, उस बच्ची तक पहुंची और पुलिस ने उसकी मदद की, वो आचार्य राहुल शर्मा जी का बयान आज वायरल है, किस तरीके से उन्होंने बच्ची को देखा और अपने कपड़े दिए और पुलिस को बुलाया। और दूसरा वो पक्ष भी है जो मदद नहीं कर रहा था, बच्ची कई काफी समय तक पैदल चलती रही, कुछ लोगों से मदद मांगी। सोसाइटी के अंदर ये जो इस तरह की जो इनसेंसिटिविटी है, इसको आप एक पुलिसमैन होने के नाते कैसे देखते हैं? सोसाइटी के अंदर खासकर, क्योंकि जब हम लोग बैक ट्रैक कर रहे थे, टेक्निकल एविडेंसेस को असेस कर रहे थे, तो कई जो मोहल्ले वाले लोग थे उन्होंने आर्थिक तौर पे मदद करने का प्रयास भी किया, उस बच्चे को पैसे भी दिए। और ये सही है कि कुछ जगह पे ऐसे वीडियोस भी आए जहाँ पे किसी प्रकार के उसको हटाने की कोशिश की गई है। बच्ची के द्वारा यदि हम फॉर्मली अगर बात करें, या जो इन्वेस्टिगेशन में निकल के आया वो यही आया है कि बच्ची कहीं ना कहीं डरी हुई थी, मदद के बजाय वो ये कह रही थी कि कुछ लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं। तो क्योंकि लोग ये सर्टन नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वो लगातार काफी समय से अकेले चल पा रही थी, तो एक जो मदद मांगने वाली चीज है उसके अलावा या उससे परे जाके वो डरी हुई थी किसी ऐसी चीज से, किसी ऐसे व्यक्ति से जो संभवतः उसके पीछे आना था, पर क्योंकि लोग नहीं देख पा रहे थे, उसी हिसाब से जो उनको रिपोर्ट करना था या सेंसिटाइज उनको होना चाहिए था वो उतना नहीं हो पाए। ठीक बात है। एक चीज और बताइए सचिन, और वो ये कि क्या आपको लगता है इस पूरे मामले पे जो लोग मदद करते हैं, जो लोग विक्टिम के साथ खड़े होते हैं, उनको और इनाम देने की कोशिश होनी चाहिए, उनको अप्रिशिएट करने की कोशिश होनी चाहिए, ताकि सोसाइटी में ये मैसेज जाए कि अगर आप किसी विक्टिम की मदद करेंगे, खासकर इस पर्टिकुलर केस जैसे मामलों में, तो पुलिस आपको हैरेस नहीं करेगी? इसमें जो FIR रजिस्टर हुई थी उस पे जो प्रोक्लेमेशन पुलिस की तरफ से था वो अराउंड 10,000 था, कि जो भी व्यक्ति असिस्ट करेगा, कोऑपरेट करेगा डिटेक्शन में, तो उसको 10,000 का इनाम दिया जाएगा।